इस तरह से हम लोग जा रहे हैं, आप देख सकते हो। हाँ चले गए तो अपन, ये राला मंडल दोस्तों आप देख सकते हो। हाँ यहाँ गए थे हम ऊपर टॉप पे, यहाँ तो से ये वो जो बाउंड्री वाले ना उसके पास। हाँ ये घूमने लिए तो ऊपर ऊपर बना रखा। हाँ यहाँ पे कहीं भी नहीं, कार के लिए बनाया था। सभी का स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में राला मंडल अभयारण्य में, राला मंडल टीम को। तो ये जाके हाँ फिर जाके पकड़ते होंगे और उनको पिंजरे में डाल के लाते होंगे। आप पूरा व्लॉग जरूर देखें और अंत तक देखें, यहाँ पर शानदार मजा आता है। जंगली जंगल आपको मैं नई नई चीजें दिखाऊंगा, वीडियो को अंत तक बने रहें। तो गाइस हम आ गए हैं राला मंडल, आप देख सकते हो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है ये राला मंडल। और आज आपको मैं पूरा राला मंडल का टूर कराऊंगा, ठीक है, दिखाऊंगा। ये रास्ता डायरेक्ट चढ़ता है और अभी हम बहुत ऊपर आ गए और वहाँ ऊपर से जाके दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का शानदार नज़ारा। एक नंबर है यार, और बहुत ऊपर चढ़ा है तो थक थक गए, कितना ऊपर चढ़ाई है। हाँ ये उतर के हाँ है ना, वो देवगुराड़ा है ये सामने जो दिखा है, ये देवगुराड़ा। हाँ यहाँ पे मेला लगता है ना, शानदार नजारा है। मस्त नज़ारा है दोस्तों। इधर है ये जंगली सुअर, सावधान नंदा मोड़। और दूर है अपन चलते सियार की जगह पे आ गए हम। ये सियार का स्थल है ये, देखो इंदौर। तो मैं आ चुका हूँ राला मंडल, आप देख सकते हो ये राला मंडल मेरे पीछे बोर्ड बना हुआ है, सीआर लिखा हुआ, सीआरसी का कहते सावधान राला मंडल क्षेत्र अभयारण्य। और इधर से पीछे पूरा इंदौर दिख रहा, देखो पूरा धुआं धुआं हो गया। वो क्या है कि ज़्यादा मेरा कैमरा क्वालिटी कम है जिसकी वजह से, लेकिन यार इतना शानदार लग रहा कि पूरा इंदौर दिख जाता है यार यहाँ से। तो दोस्तों जहाँ तक देखो वहाँ तक आपको इंदौर ही दिखेगा, देखो आप देख सकते हो, आप पूरी नज़र आपको जाएगी जहाँ तक वहाँ तक। ये बहुत ही शानदार दिख रहा, देखो इतने सारे तालाब, इतने सारे घर, ये शानदार दिख रहा है। बढ़िया ये रोड चढ़ता है इधर से इस तरह से, और बढ़िया यहाँ से दिख रहा है, आप देख सकते हो। ये हम डायरेक्ट चढ़ के आए इधर से हम लोग। दोस्तों हम आ गए हैं राला मंडल में, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ऊपर है यार, चढ़ चढ़ के हम थोड़े थक गए हैं, पसीना पसीना हो गया है, मैं भी भैया भी। अब आपको वहाँ जाके शानदार वहाँ का सनसेट पॉइंट दिखाएंगे। ये रोड वो सीधा आ जाता है जब अपन चलने वाले थे ना, यहाँ पर एक घास फूस हो गया बेकार, कितने अच्छे लकड़े वकड़े हैं यार भैया। ये देखो ये रेड भवन है, यहाँ से सब दिखेगा। किला है ये, किसका किला है? होलकर, होलकर राजा होगा, होलकर वंशी ने शासन किया ना यार, उसी का था ये। हाँ नहीं उस समय जानवर भी खतरनाक थे वगैरह, तो जानवर भी घोड़े बैल हाथी तो गाड़ी हाँ तो। पर भैया कितना ऊपर, और ले अपने एक कल सिंगल में चलने की बात लग रही, यहाँ से अपन उतर जाएंगे अभी, ठीक है। हाँ ये इधर से आते नहीं, हाँ वो वहाँ चढ़ते ना तो सीधे यहाँ आ जाते। शिखर गांव में आपका स्वागत है। तो गाइस अभी हम आ गए फाइनल, सबसे ऊपर आ गए हैं, लगभग ऊपर चढ़ चुके हैं, बहुत ही शानदार। देखो दोस्तों इसको वीडियो को स्किप करके आप पल्ले,
ठीक है, वीडियो को स्किप करके पढ़ लेना। मस्त है दोस्त इधर। तो दोस्तों आपको मैं अब अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ से अपन अंदर जाएंगे। तो चलो अपन चलते हैं। ये इस तरह से सीढ़ी बनी हुई है और यहाँ से इसका एंट्री गेट है, लेकिन फ़िलहाल भैया को आने देते इसलिए थोड़ी देर बाद जाएंगे। आप पहले बोर्ड पे पढ़ लेना कि क्या लिखा है वीडियो को स्किप करके। और बाहर से इस तरह से दिखता है यह शिकार ग्रह। अभी हम लोग क्या है कि फाइनली ऊपर चढ़ गए हैं और आपको मैं यहाँ से जो भवन दिखाऊँगा शिकार ग्रह। अभी क्या है कि थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं मैं और भैया, तो अभी यहाँ से आपको अंदर ले चलूँगा और वहाँ पर पूरा बताऊँगा कि ये किसने बनाया था और क्यों बनाया था और क्यों प्रसिद्ध है। तो मस्त बैठे इधर, बेहतरीन वाला नज़ारा है पीछे। और जंगली जानवर भी दिखाऊंगा आपको मैं नीचे जाके, लेकिन फिलहाल आपको मैं भवन दिखाऊंगा, इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। आप एक मैंने वीडियो में बताया, आपको वीडियो को स्किप करके पूरा पढ़ लेना, ठीक है। तो चलो आपको मैं अंदर ले जाके दिखाता हूँ यहाँ का शानदार नज़ारा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। ये लगी है होलकर वंश राजाओं की मूर्तियाँ और अंदर से इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हो। ये है बाहर का नज़ारा और यहाँ पर अंदर आप देख सकते हो, और इस बिल्डिंग से पूरा इंदौर का शानदार नज़ारा दिखता है। ये उसके फ्रंट का व्यू है और यहाँ पर बहुत सारे दर्शक भी आए हुए हैं। अंदर ले लिया और इस तरह से बना हुआ है पूरा पत्थर का और लाल मल्टी बनी हुई है दोस्तों। तो आप देख सकते हो, मैं आपको चारों तरफ घुमा देता हूँ, इसके चारों तरफ का शानदार नज़ारा दिखाता हूँ। और आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी पुरानी इमारत बनी हुई है और ये जो सीढ़ियाँ चढ़ती है इसका बैक साइड का हिस्सा है, और यहाँ पे एक तल घर का भी है हिस्सा है, और दूर से इस तरह से दिखता है दोस्तों, और बहुत ही प्यारा बना हुआ है। अपन मैसेज ट्राइबल है गाइस, तो हम आगे हैं ट्राइबल एरिया में। हम तो खुद ही ट्राइबल है, लेकिन और ट्राइबल में आ गया। ये प्रसादन बना है उधर, हाँ वो वाले बिल्डिंग पे दिखाते दोस्तों। वहाँ पे क्या है कि टिकट वगैरह नहीं लगते और वहाँ पे शानदार है। और अभी मौसम कितना अच्छा हो गया भैया, देखो शानदार मौसम। और ये है ना, ये होलकर राजवंश द्वारा बनाया गया शानदार पैलेस है जो शिकार ग्रह के लिए बनाया गया था। तो हम लोग क्या है कि आ चुके हैं दोस्तों, और यहाँ से भी पूरा इंदौर का व्यू दिखेगा आपको। पूरा एक अभयारण्य है दोस्तों यहाँ पर, बहुत ही शानदार है। आप क्या बताएं, क्या बताएं आपको, आप तो बस वीडियो को एंजॉय करो। तोड़ दिया यार इसको भी अब तो, पहले बहुत अच्छा था ये। क्या बताएं दोस्तों, मज़े नहीं है यहाँ, डबल आना चाहिए दोस्तों। हाँ ये भी तोड़ दिया गया, हम तो यहाँ ऊपर भी चढ़े थे एक बार। हाँ जंगल में सिंगल ही आता, जंगल में मंगल। ये रास्ता कहाँ जाता है, हाँ ये धावड़ा है। कई कब सीजन में बहुत अच्छे फल फ्रूट रहते हैं, जैसे ये धावड़ा है। पूरे जंगल में आ गया दोस्तों हम लोग, पूरे जंगल में आप देख, ये का तालाब है। अरे यहाँ से तो भयंकर ही व्यू लगेगा यार। तालाब है कि ऐसे ही दिख रहा है, तो ऐसा ही वहाँ पे भी मामा के जंगल में भी है ना, ओ वहाँ ऐसा ही नज़ारा है, शानदार नज़ारा है दोस्तों। अभी हम लोग क्या फल फ्रूट ढूंढ रहे हैं, फल पर फल मिल नहीं रहे भाई। अभी हम लोग क्या है कि जैसे कि आंवला है या फिर ये क्या बोलते अपना धावड़ा है, उसका डीक है, ये ढूंढ रहे थे पर मिल नहीं रहा यार। कित पर खतरनाक जंगल है यार वैसे दोस्तों। ये आ गए हम राला मंडल के दूसरी वाली छतरी पे दोस्तों। एक ये पुरानी छतरी है और एक ये आते, ये भी सनसेट पॉइंट था, व्यू पॉइंट मस्त। यहाँ बैठा अपन थोड़ी देर। तो दोस्तों ये है शिकार का, और यहाँ से ऊपर राजा लोग शिकार करते थे, आप देख सकते हो। यहाँ से अंदर इस तरह से दिखता है यह शिकार का, और काफ़ी बेहतरीन बना हुआ है। और यहाँ से पूरा सनसेट पॉइंट दिखता है, पूरा इंदौर का नज़ारा। तो ये देख सकते हैं आप इंदौर का नज़ारा है दोस्तों, ये इंदौर दिख रहा है, इंदौर ये धुआं धुआं पूरा।
तो बढ़िया है कि। तो दोस्तों अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, वो भी बिना रास्ते से। आप देख सकते हो रास्ता कितना भयानक है और कितना बेहतरीन है। यहाँ पर गिरने का पूरा डर रहता है। और आप देख सकते हो यहाँ पर ना कोई रास्ता है ना कोई है, बिल्कुल ऐसे ही एक पगडंडी जाती है जिससे हम लोग जा रहे हैं। बने रहना, बहुत ही शानदार मजा आने वाला है। खतरनाक है यार, कैमरा बड़ा होता तो मस्त फोटो खींचते है ना। बार्किंग डियर, भेड़, भेड़ की ए, सभी कुछ जानवर होता क्या? यहाँ कहीं बैठे थे ना उस समय, ये पत्थर पे के, इस पत्थर पे बैठ गए तो फिर इससे चढ़े थे। वही तो अंदर की हाँ हाँ जड़े करो भाई राम के बालिक होना जी बस ले जाओ ना ठोको। सब का जाए कि रेंजर तक का जाए पकड़ा गया तो अपनों को भी था तक छाल के लग जाए फिर वन्य अधिनियम के तहत। बहुत खतरनाक धारा है, बहुत खतरनाक धारा है। हमारा बहुत खतरनाक खाई है, हम विदाउट रास्ते से जा रहे हैं। देख सकते आप रास्ता ही नहीं है और पूरे रास्ता हम बना रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो पूरा जंगल है चारों तरफ इस तरह से। और अभी हम लोग क्या है कि एडवेंचर है हमारा आज का एडवेंचर, यही हमारी पार्टी होगी आज तो दोस्तों। और हाँ इधर ही आज का हमारा प्रोग्राम है मस्त। लेकिन पर दोस्तों क्या शानदार काम है यार, मतलब गज। अभी रास्ता ही नहीं, आप देख सकते अगर रास्ता दिख रहा क्या है ही नहीं हो। और फिर आला मंडल में घूम रहे हम लोग, एडवेंचर असली आदिवासी है यार, हमका डरते हैं। हाँ जोहार वाले, जोहार जोहार जिंदाबाद वाले से जंगल में खेलते तो ऐसे ट्राइबल सेना बिल्कुल। ये पहुंच गया हम सीधे, यहाँ से रास्ता आएगा, यहाँ से रास्ता आएगा और ये उतरे जाएंगे हम यहाँ से, ये डायरेक्ट ये रास्ता है। ऐसा करके इसको पकड़ पकड़ के ऐसे इसको ऐसे उतरना पड़ेगा, यहाँ इसको ऐसे फिर उतर गया। ये देख सकते हो आप ये ऐसे ही आ गए। ये अब यहाँ से हम सीधे चलेंगे डायरेक्ट। ये दोस्तों है हमारा ये रोड इस तरह से फला कसम अले माथा दोस्तों। अभी हम यहाँ से डायरेक्ट उतरेंगे, रास्ता वो इधर जा रहा है लेकिन हम लोग यहाँ से एडवेंचर करेंगे। देख सकते आप ये है ये वाला दोस्तों, हम यहाँ से उतरेंगे ठीक है। यहाँ से तो कोई मुर्गी भून के भी खा गया कहीं को। हाँ हाँ तो फिसल गया, कपड़ा खराब हो गया। ये धीरे 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 ब्रेक लगा के, फुल ब्रेक होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर अपनी ब्रेक कम नहीं होना चाहिए। सीधा पुल वगैरह है कि नहीं? ये है राला मंडल, आप देख सकते हो क्या राला मंडल है यार, पूरे राला मंडल को छान मारा दोस्तों हमने तो आज। मैं क्या है कि मोबाइल बचाने के चक्कर में थोड़ा फिसल गया हूँ। हाँ लेकिन एडवेंचर शादी बढ़िया रहा आज का, मेरा और भैया का बढ़िया आज तो टूर रहा हमारा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आ गया हम लोग डायरेक्ट सीधे। लेस भी छूट गया है दोस्तों, जूते की लेस बांध लेते हैं अपन ठीक है। टर्न मारना है अपना भाई, एक ही टर्न बस। हाँ उसके बाद तो अपनी गाड़ी आ जाएगी। हाँ मस्त इस तरह से हम, अरे तो ऊपर ही कार लेके जा रहे यार है ना मस्त दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो फाइनली अभी हम लोग क्या है कि नीचे जा रहे हैं दोस्तों, पहुंचने वाले हैं नीचे, बहुत नीचे आगे नहीं है। दो कपल भी हाँ वहाँ पे आगे दो कपल भी बैठा, आपको दिखा था ना दोस्तों मस्त कैसे बैठने का है, बढ़िया आप लोग भी आ सकते हैं।
तरह से हम लोग जा रहे हैं, आप देख सकते हो। हाँ चले गए अपन, ये राला मंडल दोस्तों आप देख सकते हो। हाँ यहाँ गए थे हम ऊपर टॉप पे, यहाँ से ये इस तरह से पूरा ऐसा लग रहा, बताना। हाँ नया चश्मा खरीदा है मैंने और पूरा पर घूम के आया हूँ। द्वार आप देख सकते हो इस तरह से, प्रवेश द्वार इसका, ये देख सकते हो।